आप ट्रेन चाहोगे यहाँ मिलेगी। दूसरा, यहाँ खनिज बहुत ज्यादा सर, आयरन, यहाँ आयरन ओर है, यहाँ डोलोमाइट है, यहाँ बॉक्साइड है, यहाँ चूना पत्थर है, यहाँ मार्बल है, सब यहाँ बिजनेस बहुत गजब है। बड़ा ही पूरा तत्विक टाइप का शहर है, इसका ओरिजिनल नाम मुंडवारा है सर, मुंडवारा शहर का। अच्छा, वो हाँ, एक अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी ना, वो पिंडारी, वो सॉरी पिंडारी वैली, हाँ। वो हमारे यहाँ एक मुंडवारा रेलवे स्टेशन है, हाँ। वहाँ पे जॉर्ज स्लीमन करके एक अंग्रेज सरकार आया था, अच्छा, तो उसने 4,000 पिंडारियों को फांसी दी थी यहाँ, इधर जो लुटेरे थे, हाँ, हाँ, उनको। अच्छा, तो तब से इसका मुंडवारा नाम रहा, मुंडवारा, मुंडवारा, फिर धीरे धीरे करते करते कटनी हो गया, कटनी हो गया। अच्छा। तो उनका स्मारक आज भी बना है जॉर्ज स्लीमन का, इधर ही है, हाँ, अंग्रेजों का। बदार नाम है, और जो राइट से आ रही है वो महानदी नाम, इसमें रेत, रेत होता बालू, रेत का इतना बड़ा बिजनेस होता है कि 100-150 करोड़ में टेंडर होता है इनका। येण्याचा उद्देश या ठिकाणी बांधवगड टायगर रिझर्वचं पहिलं पक्षगणना 4 जानेवारी ते 7 जानेवारी 2024 रोजी संपन्न होत आहे। या पक्षगणनेसाठी देशभरातून 90 पक्षमित्र सहभागी झाले आहेत। याच्यामध्ये इथे काय काय पक्ष आढळतात याचा एक सर्वे होऊन नवीन पक्षांची गणना कशी झाली याचा एक अभ्यास आपल्याला बघायला मिळणार आहे। तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण बांधवगडची एक अनोखी सफर करणार आहोत, चला बांधवगडचे जनवत। मुझे बड़ी खुशी आ रहा था कि मतलब
डेटा दिया था 1998 to 2012 तक का, उन्होंने 11 प्रोजेक्ट किए थे, 11 में से 10 फेल हो गए थे, केवल एक सक्सेस रहा था भिंडा का। तो मैक्सिमम वहाँ पर जो मॉडलिटी चीज आ गई थी वो 80% से ज़्यादा थी, उन्हीं के वहीं के उसी सभी लोकेलिटी उसी एटमॉस्फेयर में सारा कुछ होने के बावजूद उनके यहाँ पर, लेकिन उनका एक कहना था कि यहाँ पर मीडिया इतना हवा नहीं बनाता है, कुछ भी होता है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पर इतना अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल रहा था, नथिंग 75% मतलब हमारा जो बचा एक साल के बाद था, जबकि वहाँ पर कितना बचता है 25% बचता है 10 प्रोजेक्ट टाइग्रेस थी क्या? उसको जलाया गया। कितना साल का था वो टाइगर? टाइगर 10-12 साल का। और फायर फाइट होने के बाद वो? कब हुआ ये? 22 है क्या? टाइगर रहता है।
आपका पोस्ट बंदर ये कौन सा बीट है? इस पे क्या क्या दिखता है? जानवर सर टाइगर है, चीता है, तेंदुआ है। हाँ, बांधवगढ़ में कितने टाइगर है? बांधवगढ़ में 200 के ऊपर। अच्छा, और एनिमल कौन से कौन से? चीतल है, सांभर है, वो मिलते हैं अपना भाषा चिंकारा। हाँ, बैल गाय, सुअर। अच्छा, मेरा नाम रामदेव शाह हूँ। कितने साल से? कर्मी। अच्छा, मैं तो 27 साल से कार्य कर रहा हूँ। क्या पोस्ट पे आ रही हो? स्थाई कर्मी हूँ। अच्छा, और आपने कितने टाइगर देखे? टाइगर तो अनगिनती टाइगर देखे। अच्छा, बांधवगढ़ में कितने टाइगर होंगे? टाइगर अभी पूरे सातों रेंज में 224 का आकलन हुआ है। अच्छा, आपको कुछ ऐसा अनुभव आया? आप कितने घूमते हो रोज, कितना चलते हैं आप? हम चलते हैं करीब 12-13 किलोमीटर एक टाइम में। अच्छा, और इसमें अंदर कोर में कुछ गांव भी रहते हैं कुछ ऐसे? कोर में गांव है जो व्यवस्थापित हो रहे हैं। हो रहे हैं, चल रहे हैं, काम चालू। यहाँ पेड़ कौन सी ज़्यादा है इधर? पेड़ साल है। और सतगठा मान लीजिए साल ज़्यादा है। बाम्बू, बाम्बू साल, साल ज़्यादा है। मोहा का होगा? मोहा, मोहा कम है, मोहा कम है। और वो आंवला भी होगा? आंवला है, आंवला है। दवा, साजा, साल। कितने रेंज है? कितना रेंज है यहाँ तो? 11 रेंज है। कोर कितना? 9 कोर है। 9 कोर, 2 गप्पर, 2 गप्पर।